भाई पर दो चीज के मामले में बोलूंगा सीरियसली, इट इज अ वेरी गुड चैनल भाई साहब। एक तो पहला है एनिमेशन, दूसरा रीजन है भाई वॉइस ओवर। क्या वॉइस ओवर किया है भाई साहब सीरियसली। पर ये नमस्ते, मेरा नाम राजा गोपाल होता और आज एक और मैं एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आता। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहा हूँ उस वीडियो का नाम है इंडियन रिलेटिव्स आर स्कैरी। ये नॉट योर टाइप की तरफ से एक और नया वीडियो आया 2 दिन पहले, इंडियन रिलेटिव्स के ऊपर वीडियो। तो देखते हैं कैसा होता है, किस टाइप का होता है, कौन से रिलेटिव्स की बात होती है, कितने डरावने होते हैं, देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे नहीं हो तो पूरा रिएक्शन वीडियो देखना। अगर नॉट योर टाइप के बहुत बड़े फैन हो और मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो बस अच्छा रिस्पॉन्स दे देना। मेरा ये एक सब्सक्राइबर है, उसका डिमांड था तो इसलिए उसके लिए मैं एक ये रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करना, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। रिश्तेदार, वो लोग जिन्हें तुम्हारे घर आने का बस एक छोटा सा बहाना चाहिए, तुम दोपहर में अपनी प्यारी मीठी नींद लेने जा ही रहे होते हो कि अरे बेटा मैं थोड़ा पास में ही आया था तो सोचा तुम्हारे घर आ जाता हूँ, पर मैं तो जंगलों में रहता हूँ, जंगलों में क्या करने आए थे, कहे मेरा घर तो जलाने नहीं आए थे। जैसे तुमने मेरा फ्यूचर जलाया मेरे घर वालों को मुझे इंजीनियरिंग करवाने का बोल के। रिश्तेदारों के पास ना एक बहुत भयानक शक्ति है, ये तुम्हारे मम्मी पापा का दिमाग चेंज कर सकते हैं। बच्चा बोल रहा था कि क्रिकेटर बनना है तो हमने सोचा चलो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं। भाई साहब आपको क्या बच्चे ने बल्ला मारा है क्या सर पे? नहीं तो जरा अपना दिमाग लगाइए, ये क्रिकेट विकेट में कुछ नहीं रखा। वो अपने विकास जी की लड़की बोल रही थी सिंगर बनूंगी, कुछ हुआ नहीं तो अब नुक्कड़ नाटक में पेड़ बनती है। मैं हूँ एक जादुई पेड़। वेरी गुड, ऑसम। क्या हम ये पेड़ का रोल हटा सकते हैं? वैसे भी ये नाटक खरगोश और नेवले की जुगलबंदी के बारे में है। और क्या मुझे कोई बताएगा इधर असली नेवला किसने छोड़ा? अब हमारी फैमिली में एक रिश्तेदार ऐसा होता ही है जिसे ना बहुत जोर से ज्ञान देने की आदत होती है। इसे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ना इसके पास ही है और इनका मन पसंदीदा काम होता है लोगों को एडवाइस देना। तुमने 10th पास करी, अब सब्जेक्ट कौन सा लेना है वो ये बताएंगे। तुमने कॉलेज पास करा, अब नौकरी कौन सी करनी है वो ये बताएंगे। फैमिली में कोई बीमार है, उसका इलाज ये बताएंगे। फैमिली में कोई मर गया, इलाज इनने बताया था। करियर चुनते समय भी ना ये लोग अपनी टांग बहुत अच्छे से अड़ाएंगे। पापा मुझे गेम बनाने वाला बनना है। अरे बेटा जिंदगी एक पूरा गेम ही तो है। भाई साहब आप इसको बनाओ डॉक्टर, बहुत स्कोप है, मतलब इसकी माँ का मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया। नहीं पापा डॉक्टर तो नहीं, पापा इतनी पढ़ाई से तो मजदूर बन जाऊंगा मैं, लेकिन डॉक्टर तो। मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, क्या बात कर रहे आप? बाबू नहीं भाई साहब, हाँ मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने वाले को तो चप्पलों से मार देना चाहिए। तुम्हें पता है रिश्तेदारों की नजर ना अपने बच्चे से ज्यादा दूसरे के बच्चे पे होती है। कल को अगर कोई कांड भी कर दोगे ना तो एक बार को पुलिस को नहीं पता चलेगा, लेकिन इन्हें इन्हें जरूर पता चलेगा। अरे ऑफिसर मेरी दादी झूठ बोल रही है, मैंने उनकी बत्तीसी से पेट नहीं खुजाई। मिस्टर आयु, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन आपके पास तो मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। हाँ सबूत नहीं था, लेकिन अब है। मिलो तुम्हारे फूफे से, इनने बिजली के खंबे पे चढ़ के तुम्हारी क्राइम करते हुए फोटोज खींची है। हालांकि वो बात अलग है, खंबे से नीचे उतरते समय इनकी पैंट के साथ चड्डी भी फट गई, लेकिन उसका टेंशन तुम मत लो। पैंट और चड्डी दोनों सही सलामत दर्जी के पास पहुंच चुकी है, वो सुबह तक रफू करके दे देगा। शाम तक। और ये रही तुम्हारी फोटो। गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। अब जब भी रिश्तेदार तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें उनसे बातचीत करने के लिए बोलते हैं और तुम्हें नहीं पता होता क्या बात करनी है। इतनी अजीब सिचुएशन बनती है ना उस समय। और बेटे कुछ नहीं अंकल, यूं ही। अरे पागल खाने के कैदी हंसते हैं ऐसे एक दूसरे को देख के। अब कुछ रिश्तेदार ना तुम्हारे सीधे घर आते हैं और तुम्हें तुम्हारे बचपन की अजीब सी यादें बताने लग जाते हैं। बेटे तेको याद है एक बार मैंने तेको तेरी लंगोट के बल उठा के पंखे पे लटका दिया था और तेरी माँ ने अनजाने में पंखा खोल दिया था, वो भी 5 की स्पीड पे। मरते मरते बचा था तू। उस समय तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आ रही होती है, कौन है ये आदमी और बचपन में ये मुझे क्यों मारना चाहता था। बेटे याद है एक बार तू खुले में मूत रहा था तो तेको एक बंदर ने आगे पकड़ लिया था। इतनी बेकार यादें बताएंगे तुम्हें बचपन की, और पता नहीं बटवे के कौन से कोने में इनके पास वो फोटो भी रखी होती है। ये देखो
नुन्नी खींच ली थी बंदर ने इसकी। अब ये तो ना फिर भी ठीक है, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम आराम से एक चड्डी में बैठे हो और जेल जैसे कटोरे में दाल चावल खा रहे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन एकदम से तुम्हारे घर पे 10 रिश्तेदार आ जाते हैं। अब जरा सोचो उस चड्डी पे दाल चावल खाते हुए बच्चे पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें वहाँ से भागने तक का मौका नहीं दिया जाएगा भाई, पूरा दिमाग सुनने पड़ जाता है इतने सारे रिश्तेदारों के सामने। ए छोटू, अपने मालिक को बुलाना तो जरा। मम्मा। अच्छा ये इनका बेटा है? छी। अब ये रिश्तेदार ने काफी अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे फैमिली में कोई बहुत बूढ़ा दादाजी नहीं होता है जिसके दिल की जगह भी बैटरी लगी होती है, इसे परिवार वाले मरने ही नहीं देते, इन्हें कुछ हुआ फट से ऑपरेशन, भाई आधा रोबोट बना के रखा है दादाजी को। उधर दादाजी का 150वां जन्मदिन बनाया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे दादाजी। वो दादाजी बेचारा अपनी बैटरी के दोनों वायर पकड़ के बोल रहा है, बेटा मार दो मुझे प्लीज, कोई मार दो अब। पीछे तुम्हारे पापा तुम्हें कोल्ड ड्रिंक उड़ाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोल्ड ड्रिंक का एक भी बूंद दादाजी की बैटरी पे गिरा तो तुम्हारा दादाजी टाइम बम की तरह फट जाएगा। खैर जो भी कह लो, रिश्तेदार हमारे घर से जाते समय अपनी पोटली से थोड़ा धन वो हमें भी दे के जाते हैं, भले वो 20 रुपए का लुल्ली नोट हो या 100 रुपए का करारा नोट हो। पर सवाल यहाँ पे ये नहीं है, सवाल ये है कि रिश्तेदारों के साथ इतनी मारामारी के बाद क्या वो 20 रुपए का लुल्ली नोट काफी था या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे बस एक चीज पता है, सब्सक्राइब करो, चाहे तो ये 20 रुपए का लुल्ली नोट ले लो, लेकिन सब्सक्राइब करो, मेरी आंखें तुम पे ही है, करो अभी। मेरे बच्चे के लिए कर दो यार। ए, क्या तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे से दोस्ती करेगा? चले जाओ यहाँ से तुम्हारा बदसूरत बच्चा लेके। ए, ए, वो, वो, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ, बस चला ही गया। ये मेरा सेकंड चैनल है और ये मेरा इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पे भी फॉलो सब्सक्राइब कर देना। अब मुझे भी जाना है क्योंकि मेरे बच्चे का पेट खराब है और कर दी उल्टी। नाइस डांस भाई, वीडियो खत्म। तो बात करते हैं वीडियो कैसा था। वीडियो के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा एक सब्सक्राइबर था वैसे, उसने बोला रिएक्ट टू नॉट योर टाइप करके, तो मैंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा करके। कल मेरा एग्जाम था वैसे, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, सरकारी नौकरी के लिए देने गया था, वो पूछ रहा था कब करोगे रिएक्ट, तो मैंने बोला आज कर दूंगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है मेरे को, लोग सब्सक्राइब लाइक वगैरह सब करते रहते हैं और फिर डिमांड करते हैं इस पर और बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ, तो मैं सब्सक्राइबर के ऊपर मतलब वीडियो बनाऊंगा कि उनके डिमांड के ऊपर वीडियो बना दूंगा अगर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और मेरे को भी रिस्पॉन्स चाहिए अपना चैनल ग्रो करना, इसीलिए अगर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आया, मैं ग्रो होता रहा और सब्सक्राइबर लोग डिमांड करे इस पे बनाओ उस पे बनाओ और ज़्यादा लोगों ने डिमांड किया, तो पक्का मैं उस रिएक्शन मतलब उस वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बना दूंगा। जैसे किसी भी वीडियो पे बोलो, जैसे अभी एंग्री प्रेस का 5-10-15 कमेंट उसी पे, उस पे नया वीडियो रिएक्शन वीडियो बनाओ, रिएक्शन वीडियो बनाओ, मैं बना दूंगा। ठीक है, बात करते हैं वीडियो कैसा था। मैं पहले भी देखा था वैसे रिएक्शन वीडियो बनाया नहीं, थोड़ा थोड़ा करके देखा था वैसे, तो नॉट योर टाइप का भाई पर दो चीज़ के मामले में बोलूँगा सीरियसली इट इज़ अ वेरी गुड चैनल भाई साहब। एक तो पहला है एनिमेशन, दूसरा रीजन है भाई वॉइस ओवर, क्या वॉइस ओवर किया है भाई साहब सीरियसली। पर ये एनिमेशन भाई कैसे किया है यार सीरियसली। और मैं रिकॉर्ड करने से पहले पता नहीं कुछ बातें क्यों सोचता हूँ, इसने पता नहीं 30-35 के आसपास ही वीडियो डाला होगा और भाई 6 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स है, मतलब कंटेंट इज द किंग भाई, सही बोला है जिसने भी बोला है यार। और सीरियसली काफ़ी मजा आया, मेरे को लगा ज़्यादा कॉमेडी टाइप में कुछ भी होगा करके, तो इसने तो उल्टा ज़्यादा रियलिस्टिक बना दिया, मतलब सच्चाई दिखाई गई है वैसे। और मैं तो रहता दिल्ली में, मेरे रिश्तेदार चेन्नई में रहते हैं, पर वो जो ये दिखाना कि ये पढ़ाई करो, इसी पे नौकरी करो, ये अच्छा है वो अच्छा नहीं, तुम क्रिकेटर मत बनो, तुम यूट्यूबर मत बनो, ये मत बनो, ऐसे वैसे तो नहीं बोलते, बस मेरे घर वाले बोलते रहते हैं मम्मी पापा की सरकारी नौकरी अच्छा है, बाकी सब में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है इसलिए मुश्किल बहुत है, तो यूट्यूब में भी ट्राई कर रहा हूँ ऐसे, उन्होंने परमिशन दे दिया बस मना रहा हूँ भाई साहब। बट सच बात बोलूँ मेरे साथ तो इतना ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है जो इंडियन रिलीज क्या कहते हैं रिश्तेदारों के ऊपर, तो वैसे जो वो भी दिखाया मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट यार ऐसा क्यों लग रहा है सब सच्चे ही दिखाया जो भी हुआ है। भाई एक बात बोलूँ, सोसाइटी वाले और ये रिश्तेदार रिलेटिव्स के वजह से तो भाई ये जो करियर और पढ़ाई वाला पॉइंट आउट निकाला ना, सही निकाला है सीरियसली यार। अच्छा खासा पापा ओके कर लेता मेरे को गेम बनाने वाला बनना, बस रिश्तेदार आया टपका और बोला भाई चल डॉक्टर बन, डॉक्टर बेस्ट ऑप्शन है, कुछ भी चलता है यार वैसे। और वो पैसा वाला सीन भी मैंने नेट में देखा था, पढ़ा था पता नहीं
मीम वगैरह में देखा था करके, अगर रिश्तेदार पैसे भी देते ना ये कर बच्चा खुशी खुशी ले लेना, मम्मी या पापा अरे ये नहीं नहीं किस इसकी क्या जरूरत थी, पता नहीं कुछ भी बनाते हैं। पर जितना भी इसने पॉइंट आउट निकाला ना इंडियन रिलेटिव्स के ऊपर, मतलब रिश्तेदार के ऊपर निकाला भाई, सही निकाला, सल्यूट है भाई, सीरियस क्या पॉइंट आउट निकाला, सारा सीन एकदम सही है। हम बच्चे लोग कितना मस्त चिल विल करते हैं, चिल पिल करते रहते हैं, और भाई रिश्तेदार पता नहीं कहाँ से अचानक से आ जाते हैं। और अच्छी बात यह कि मेरे साथ ऐसे नहीं होता कि ये चलो दिल्ली में आए, चलो राजू से मिलते थोड़ी बातें करते हैं, ऐसे तो नहीं होता भाई। मेरे घर में सिर्फ मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई है, बस बात करने तो इन्हीं से करूँगा, नहीं तो नहीं करता जैसे बस। बट ये रिश्तेदार वाला मेरे साथ नहीं हुआ कभी इतना एक्सपीरियंस, बट यार सीरियसली यार ऐसे मैंने बहुत लोगों को देख रखा है कि लोग रिलेटिव्स को भी थोड़ा गाली देते कैसे रिश्तेदार है ये वो करके, सीरियसली बोलूँ भाई। बट जो भी हो वीडियो ऑसम है, दो रीज़न की वजह से, एनिमेशन और वॉइस ओवर, एक्चुअली मैं तीन पॉइंट ले लो, और ये जो इसने जो स्क्रिप्ट लिखी थी इंडियन रिलेटिव्स के ऊपर इसलिए बोलूँगा। तो ओवरऑल बोलूँगा वेरी गुड वीडियो, एंटरटेनिंग वीडियो, बीच बीच में फनी था, पर एनिमेशन और वॉइस ओवर की वजह से तो बोलूँगा बहुत मजा आया, क्या वीडियो बनाया था, अच्छा लगा। वैसे अगर अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो नॉट योर टाइप के ऊपर और भी ऐसे रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद है तुम लोग को मेरा ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल पे नए हो, नॉट योर टाइप के बहुत बड़े फैन हो, तुम्हें रिएक्शन वीडियोज़ चाहिए, बहुत तलाश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, कोई बना नहीं रहा इतना मेरा पसंद है, तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, करते रहना भाई साहब फिर सॉरी अगर अच्छा रेस्पॉन्स आता रहता है और लोग बोलते हैं नाइस वीडियो, आगे भी और बनाते रहना, तो नॉट योर टाइप पे बनाता हूँ। तो मिलते हैं फिर फाइनली, कल एंग्री प्रेस का एक नया रोस्ट वीडियो आया भूतों के ऊपर, गोस्ट के ऊपर, तो कल उस रिएक्शन वीडियो के साथ मिलते हैं। तो तब तक ले टाटा बाय बाय।